हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन ऑन विजडम साइक्लोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक कंपनी पीट्रॉन के अपकमिंग ईयरबर्ड्स के बारे में, जिनका नाम होने वाला है पीट्रॉन बेस बर्ड्स अल्टीमा ANC। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीट्रॉन बेस बर्ड्स अल्टीमा ANC के सारे स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और इसके प्राइसिंग की, और पता करेंगे कि क्या आपके लिए ये होने वाले हैं बेस्ट TWS ईयरबर्ड्स। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें इनके डिजाइनिंग की, तो आप देख पा रहे हैं काफी अच्छे लुक्स के साथ आता है ये। आपको यहाँ एक बैटरी इंडिकेटर भी मिल जाएगा कि कितनी बैटरी परसेंटेज बची है आपके इन ईयरबर्ड्स में। हालांकि दोस्तों, इन ईयरबर्ड्स का ये जो नेक वाला पार्ट है थोड़ा सा लंबा जरूर है, जिसपे आपको पीट्रॉन की ब्रांडिंग दिख रही है LED लाइट के साथ, लेकिन फिर भी ठीक ही है, काफी डिसेंट दिखता है ये लुक्स के मामले में। जहां तक बात है इसके केसिंग की, तो आप देख पा रहे हैं एक ट्रेडिशनल ईयरबर्ड्स का जैसा केस होता है, जैसी उसकी डिजाइनिंग होती है वैसा ही सेम दिखता है ये लुक्स में। मोस्ट प्रोबेबली ये भी मैट फिनिशिंग के साथ आता है, जो कि आजकल मार्केट में काफी डिमांड में है। डिजाइनिंग और लुक्स के बाद आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की। तो गाइस, सबसे पहले बात करें इनके ड्राइवर्स की, तो काफी डिसेंट साइज ड्राइवर आपको यहाँ मिल जाता है, वही ट्रेडिशनल 10 mm के ड्राइवर्स आपको यहाँ मिलते हैं, यानी ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी रहने वाली है, डिसेंट कह सकते हैं। यहाँ आपको काफी अच्छे माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं, यानी कॉलिंग की ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी रहने वाली है, वॉइस काफी क्लियर होने वाली है। जहां तक बात है इसके लेटेंसी रेट की, तो कंपनी ने इसे रिवील नहीं किया है, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि लेटेंसी रेट बहुत ज्यादा खास नहीं होने वाला, यानी गेमर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होने वाले ये ईयरबर्ड्स। इन ईयरबर्ड्स को हम काफी हद तक वाटरप्रूफ भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको मिल रही है IPX5 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस, जो कि काफी अच्छी बात है। बात करें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की, तो वही एज यूजुअल वही पुराना फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 20 Hz to 20 kHz मैक्सिमम आपको इन ईयरबर्ड्स में भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम। इसका जो स्टैंड आउट फीचर है, जो कि इसकी खासियत है, वो है इसका ANC। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, फिर भी इस प्राइस रेंज में काफी बड़ी बात है। ANC यानी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको यहाँ मिल रहा है, यानी सराउंडिंग नॉइस की कोई भी चिंता नहीं करनी होगी आपको, एक बार आपने इन ईयरबर्ड्स को अपने कानों में डाल लिया और म्यूजिक एंजॉय करना शुरू कर दिया। कनेक्टेड डिवाइस के वॉइस असिस्टेंट्स को भी आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे इन ईयरबर्ड्स के थ्रू। आपको यहाँ ट्रांसपेरेंसी मोड भी देखने को मिल रहा है, जो कि काफी एक्सक्लूसिव है। दोस्तों, ईयरबर्ड्स में ट्रांसपेरेंसी मोड का ये हेल्प होता है कि आप म्यूजिक को एंजॉय करते करते आप किसी से चैट भी कर सकते हैं, आपको दोनों आवाजें बखूबी सुनाई देंगी। जहां तक बात है इसके बैटरी बैकअप की, तो ये आपको केसिंग के साथ टोटल 15 hours तक का प्लेबैक टाइम देने वाला है। इसमें आपको टाइप सी इंटरफेस भी देखने को मिलेगा, यानी फास्ट चार्जिंग टेक्निक भी है इसमें। आप केवल इसे 10 मिनट चार्जिंग में लगाइए और ये आपको 1.5 घंटों तक का प्लेबैक टाइम देने वाला है। कनेक्टिविटी की बात करें, तो इसका नॉर्मल रेंज रहेगा 10 meters तक का। ब्लूटूथ का वर्जन आपको 5.0 देखने को मिलेगा इस ईयरबर्ड में। तो गाइस, पीट्रॉन के ये ईयरबर्ड्स आएंगे एवरेज कैटेगरी में, क्योंकि आपको यहाँ ANC के अलावा कोई और भी बहुत खास फीचर नहीं दिखता। जहां तक बात है इन ईयरबर्ड्स के प्राइसिंग की इंडिया में, तो हालांकि कंपनी ने रिवील तो नहीं किया है, पर एक्सपेक्टेड प्राइस जो इसका होने वाला है वो होगा 1499, क्योंकि यहाँ आपको कोई भी खास फीचर बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो ये 1500 के अंदर अंदर ही होने वाले हैं इंडिया में। सो फ्रेंड्स, दिस वाज टुडेज वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। इफ यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।